नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत जारंगडी 16 नंबर के श्री श्री बासुकीनाथ महादेव मंदिर में 21 जून शुक्रवार को बसंत ओझा, लखन चौहान, जोगिंदर सोनार के नेतृत्व में शिव पार्वती वार्षिक महोत्सव वर्षगांठ महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि पुजारी विनय कुमार पांडे के द्वारा संध्या को विधि विधान से मंत्रोच्चारण कर पूजन व हवन किया गया और खीर पूड़ी का भोग भी लगाया गया। और विनय पंडित जी ने कहा कि जो भी भक्त व श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा यह यज्ञ मानव के कल्याण के लिए किया गया है। कहा इस यज्ञ में श्याम सिंह और उनकी पत्नी सुषमा देवी ने हर्षोल्लास के साथ पूजन व हवन किया। वही बसंत ओझा और श्याम सिंह ने कहा, हर वर्ष शिव पार्वती वार्षिक महोत्सव वर्षगांठ पूजन किया जाता है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया है। कहा शाम को आरती व हवन के साथ खीर पूड़ी का भी भोग लगाया गया, साथ ही साथ रात्रि को भंडारे का भी आयोजन किया गया, जो काफी संख्या में भक्त व श्रद्धालु सहित महिला पुरुष युवक युवतियों ने इस पूजन में आकर पुण्य के भागी बने और भंडारे में आकर प्रसाद भी ग्रहण किया। न्यूज़ के लिए ये मंदिर हम लोगों का 16 नंबर का बहुत पुराना मंदिर है और बहुत दिनों से पूजा यहाँ पे हो रहा था। आज 19-20-21 वर्षगांठ हम लोग मनाते हैं कि हमारे पुरंदर विनय पांडे जी पुजारी थे और मुख्य विद्वान में हमारे बड़े भाई श्याम सिंह सोनार और उनकी धर्म पत्नी सुषमा देवी जी की और बाकी हमारे जितने भी साल चाहे भी 16 नंबर के बच्चे लोग ये हर वर्ष हर एक साल मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इतनी बातों को बोल के मैं धन्यवाद देता हूँ। जय श्री पूजा पाठ के अलावा हाँ, अभी भंडारा का भी कार्यक्रम है। शाम को आरती होने के बाद में भंडारा चल रहा है और भंडारा में जितने भी लोग जब तक खत्म नहीं होगा तब तक भंडारा चलता रहेगा। ये मंदिर विगत वर्षों से कई वर्षों से हम लोग का जन्म नहीं हुआ था। आज जो कार्यक्रम इसके बारे में आज का कार्यक्रम यही है कि वर्षगांठ हम लोग साल में 18-19-20 ये 3 दिन हम लोग मनाते हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसमें कि हम लोग अपने ही मिलजुल कर 16 नंबर नगरवासी ही मिलजुल कर ये भंडारा का भी प्रोग्राम करते हैं। विगत कई वर्षों से हम लोग भंडारा भी चला रहे हैं और भंडारा में कोई लिमिट नहीं है। जब तक आदमी आता है, जहां का भी आदमी आता है, हम लोग उसको पूरा भरपाई भंडारा खिलाते हैं, उसके बाद विदा करते हैं। ये बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है कि पूरा जारंगडी क्षेत्र में 16 नंबर में बहुत समय पहले से और शिव पार्वती जी का श्री वासुकीनाथ जी का वर्षगांठ पूजन करवाया जाता है। तदुपरांत में यहाँ भोग भंडारा भी करवाया जाता है। जो लोग दूर दूर से आ करके यहाँ पर भोग भंडारा भी पाते हैं और आनंदमय होकर के यहाँ पर आनंदमय से आरती पूजन विधिवत्ता से रुद्र अभिषेक यहाँ तक के दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करवाया गया, हनुमान जी का पाठ पूजन भी करवाया गया, वार्षिक पूजन भी करवाया गया। सब पाठ आज ही कराया गया है कि इसके पहले कराया गया? इससे पहले भी होता है लेकिन आज कौन सा पाठ? आज दोनों हुआ, आज रुद्र अभिषेक भी हुआ और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करवाया गया। तो महिला लोग आए हुए हैं तो महिला लोग यहाँ तक कि सुबह प्रातः काल में ही पता था कि 19-20-21 का यहाँ वर्षगांठ पूजन करवाया जाता है और करवाने वाले महिला लोग जितने महिला लोग क्या यहाँ तक कि जैसे कहने मतलब यहाँ पर माताएँ बहने लोग सर्वप्रथम यहाँ पर प्रातः में पूजन किए और पूर्णिमा तिथि भी थी और यहाँ हवन भी हुआ। हवन जो हुआ कि नगर क्षेत्र को कल्याण के लिए, जग संपन्न के लिए और सभी को इसमें मिलजुल करके आनंदमय लिए आनंद हुए और बड़ा आनंदमय से हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर कार्य में सम्मिलित हुए और भंडारा भी प्राप्त किया। बहुत दिन से मंदिर, बहुत दिन से हम लोग साथ आप कितने हम लोग जब से आए हैं शादी कर बेरमो से अनिल वर्णवाल की रिपोर्ट।